सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। ये घटना जो जयपुर में अभी आपका आमागढ़ जिले की हुई है, जिसके अंदर जो आदिवासी मीणा समाज है वहाँ की उनकी खून मताई है। उस मताई पे परंपरागत आदिवासियों को जब झंडा हुआ करता था, वो झंडे को उखाड़ के कुछ असामाजिक तत्व, नाम आरएसएस का आ रहा है, उन्होंने वो झंडे को उखाड़ के वहाँ पे भगवा झंडा लहरा दिया बहुत बड़ा, जिससे वहाँ मीणा समाज में आक्रोश उपजा है। इसको लेके हमने पूरे देश के आदिवासियों के आह्वान पर हमने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदूलाल जी के नेतृत्व में हम लोग आज कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देने आए हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय संज्ञान लेके ऐसे के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके तत्काल जेल में डाला जाए। और आदिवासी धरोहर देश में जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे कहीं कहीं शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका विलुप्त किया जा रहा है। इसी प्रकार में हमारे डूंगरपुर में भी कुछ समय पूर्व में ऐसी घटनाएं घट चुकी है, आदिवासी इलाके में भी घटना घट चुकी है। आदिवासियों को जो धर्म ध्वज है उसको उतार के नया नया धर्म ध्वज चढ़ाया जा रहा है। आदिवासी धरोहर आज देश दुनिया में कहीं न कहीं आपके विलुप्त होने के कगार पे है, और आदिवासी बचेगा तो सृष्टि बचेगी, यही पैगाम दे के हम आज मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। मीणा समुदाय के साथ में जो हुआ है वो अन्यथा पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूरे देश के आदिवासी आंदोलित होंगे, ये हम अपील करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए आज जिला कलेक्टर वहाँ पे आए हुए हैं। धन्यवाद।